सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नहीं मेरे को काम मिला था। काम मिला था SFS स्कूल जालना रोड औरंगाबाद, वहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड को एडमिशन लिया था। तो जब मेरे भैया मुझे छोड़ने को आए थे तो जब क्लास के अंदर सब बच्चे से देख रहे थे सिर्फ, तो ये बंदा था ऐसा, इसने जगह ऐसा सर का और इसने बोला कि आओ मेरे बाजू बैठाओ बोल दिए। तो जब से इससे मेरी दोस्ती अगर तुम सर्कस के अंदर होते नहीं, अगर तुम सर्कस के अंदर होते तो कौन से कैरेक्टर होते तुम? भैया तेरे को बुरा नहीं लगना, बैठते ना वो और अजीत ये शॉर्टकट कर दो। किसी ने तुमसे राय मांगा और सबसे बुरी राय तुमने अब तक क्या दी होगी किसको? किसी को? हाँ, याद है एक बंदे ने राय, हाँ, उसने बोला था भाई मेरे को जिम जाने लाइक काम कर, वहाँ पत्थर पड़े उठा ले तेरा जिम हो जाएगा। अच्छा नहीं, तुम अभी फिलहाल जॉब क्या करते हो? मोबाइल शॉप कर रहा हूँ। मोबाइल शॉप का है तुम्हारी? मोबाइल शॉप त्रिमूर्ति चौक। त्रिमूर्ति चौक। लॉकडाउन के टाइम पे तुमने क्या किया? तीन रात सोए बस, नींद मारे आराम से और पबजी का गेम खेले बस, और कुछ काम धंधा था ही नहीं तो क्या करते थे। अच्छा। आज टिकटॉक भी बना है इसमें, वो अलग बात है। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट टीवी शो क्या है? मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर गिल्स। क्या क्या चीजा खाता है मालूम तेरे को? छिपकली, सांप, उसको भूख लगी तेरे को भी खा लेंगे। ऐसी कौन सी बात है जिसको सुन के आपको बहुत बुरा लगता है? मोटा। कोई भी चीज का बुरा नहीं लगता माशाल्लाह। जब तुम छोटे थे तो ऐसा कौन सा काम है तुमको करने को बहुत अच्छा नहीं लगता? करने को तेरे को मारने में बहुत बड़ा अच्छा लगता मालूम है? कैच हम कैच खेलते थे याद है तेरे को? हाँ हाँ, शापना हम क्या से जब स्कूल में बॉल वो अलाउड नहीं था, हम जब फर्स्ट सेकंड में थे तो ग्राउंड पे हम क्या करते थे, शार्पनर से कैच एंड कैच खेलते थे। हाँ, और इसका ही शार्पनर लेते थे और बाद में घुमा भी देते। तुम्हारा खाने में सबसे फेवरेट डिश क्या है? सबसे फेवरेट डिश बिरयानी और मेरे भाई के हाथ का पास्ता। अख्तर भैया है, पास्ता भैया क्या बनाते आप एकदम क्लास यार एकदम। अख्तर भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे थे हमको दावत में करा भाई के हाथ का पास्ता और मैगी खाएंगे ना भैया, खराब हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, तुम्हारे हिसाब से औरंगाबाद में ऐसी कौन सी जगह है जब जो फैमिली के लिए अच्छी, जो अपनी पूरी फैमिली गेट टुगेदर कर सके इसके लिए अच्छी? मुल्लाबाद अच्छी है, दरगाह में जाने की बेस्ट है। पहाड़ का एरिया रहता है ना, बारिश में क्या मजा आती है, भुट्टे खाने के भुट्टे खाने में जो मजा आती है ना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, तुम शादी कब करना चाहते हो? अम्मा मोपट लाल तो है नहीं तो तुमको तुम्हारे स्कूल के कोई बच्चों की चिड़ याद है क्या? तो वो आप सबके सामने बताइए। अरे मेरा स्पीचा पकड़ के रखा इसने इसका नाम हमने रखा था काशी मोटा उर्फ अयाज, हमको फिर मालूम पड़ा अयाज इसका नाम। और नेक्स्ट फैजान तेड़ा मालूम है। और नेक्स्ट गार्लिक भाई चीन नहीं रखते थे अपन, उसके माँ बाप के नाम से बुलाते थे, माँ बाप के नाम से नहीं बाप के नाम से बुलाते थे अपन थोड़ा बहुत जैसे कि अल्तामट को अपन काला डेग बोलते थे, डेग
उसके पास जोए में अपना उसको रैबिट बोलती बोलती थी अपन। अरे तू बोल मेरे को सबसे मारवाएगा तू बोल। बच्चे क्या करते थे पेरेंट्स के नाम से बोलते थे, पेरेंट्स के नाम से बोलते थे। तो वो हमारे टाइम पे थी। अब आज का ट्रेंड क्या है, क्या नहीं, क्या मालूम। अब 2014 के अंदर हमारी 10th हुई थी, है ना। हाँ, आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलूँगा। अगर हमारी सर भी अगर देख रहे होंगे तो सर जी देखिए प्लीज। हमारे रौफ सर हुआ करते थे, हमारे रौफ सर हुआ करते थे 10th स्टैंडर्ड के अंदर। वो हमको मराठी पढ़ाते थे। तो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड में जब हमारा पहला दिन था, फर्स्ट डे जब है था ना आपका 10th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th से आप 10th में जाते हो, तो फर्स्ट डे जब वो क्लास में आए थे तो उन्होंने उनको हमेशा बच्चे ना 9th स्टैंडर्ड में बहुत परेशान करते थे। तो उन्होंने जब सर 10th के अंदर आए तो बोले अरे यार सबके सब पास हो गए, उन्होंने देख रहे सबके सब पास हो गए। तो उसमें से एक दो बच्चे हमारे क्लास के फेल हो गए थे। तो बोले यार ये दो तीन बच्चे अभी है, चार पाँच बच्चे बोले जो अभी भी बोले है, बोले बैठे हुए बोले। 10th का पहला दिन था जब भी बोले थे उन्होंने कि आज मैं बता दूंगा तुम्हारे, आज तुम्हारे को बता दूंगा मैं कि कौन कौन बच्चे फेल होने वाली। तो जब उन्होंने लिस्ट बनाई थी तो लिस्ट में सबसे पहला नाम लिखे थे नईम चौहान का। तो वो नईम चौहान को बेलिम बोलते थे। तो अगर सर देख रहे सर जी जब ये 10th पास हुआ था तो 10th का आपने बराबर लिखे थे कि फेल होगा बोल के, पर सॉरी पर वो फेल नहीं हुआ, उन्हें उसने लाया परसेंट 45 कौन सा ड्रामा है जो तुम ज्यादा देखते हो? अर्थबुद अभी जो देख रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स। अच्छा अभी आपके कितने एपिसोड्स हैं इसके? मेरे तो कम से कम एक तीसरा एपिसोड चल रहा है, तीसरा सीजन का तीसरा एपिसोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चांस मिला पीएम बनने का तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे ध्यान में आती है कि अगर मैं पीएम बना तो मैं ये कर दूंगा? पीएम बना ना भाई तो सबसे पहले जो पबजी खेलने वाले बंदे हैं ना उनको सबको 10,000 रुपए दूंगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये जो मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता तो इसके बारे में आपका क्या रिव्यू है मेरे लिए, और आपका भी क्या रिव्यू है आप कमेंट्स में बताइए, और प्लीज मोटिवेट कीजिए मुझे। मोटिवेट पहले से तो मोटे और कितना वेट करी हुई होते हैं भाई। तू बहुत अच्छा काम कर रहा है बस, मैंने तेरे पहले वीडियोस देखा है, मतलब वो कौन थे चाचा भैया खान साहब, भैया खान साहब इन्होंने बताया कि भाई उनके साथ क्या बीती थी। YouTube में कोई बताता नहीं उतना ज़्यादा, तू बता रहा है अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि नईम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हो ना, तो नईम की मैं Facebook की ID और Instagram की ID लिंक में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच, आपने हमारा एपिसोड देखे, ऐसे ही मेरे आने वाले एपिसोड देखते जाइए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे भी नईम को मैं लाते रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लॉकडाउन खत्म होने पर और कुछ नए कंटेंट्स बनाऊँ। भाई का वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और भाई को सब्सक्राइब करो। बंटा।